नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। अमेरिका में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे के अंदर 70,000 नए केस। मुंबई के धारावी में टूटी कोरोना ट्रांसमिशन की चैन, डब्ल्यूएचओ ने की तारीफ। अशोक गहलोत सरकार गिराने की साजिश, राजस्थान पुलिस ने दर्ज की FIR। विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शरीर के आर पार हुई 3 गोलियां। कोरोना वैक्सीन इस साल संभव नहीं, संसदीय समिति को दी गई जानकारी। विकास दुबे एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, पुलिस पर एक्शन की मांग। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के नौशेरा सेक्टर के LOC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 आतंकी ढेर। दुनिया में 1.25 करोड़ के करीब पहुंची कोरोना संक्रमितों की तादाद, 5.5 लाख से अधिक मौतें। मुंबई के बोरीवली में आग बुझाने के लिए ली जा रही है रोबोट की मदद। सूरत में हीरा जड़ित मास्क की बिक्री, 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक की कीमत। सिंगापुर की सत्ता पर PAP का दोबारा कब्जा, 93 में 83 सीटों पर जीत। धाकर की तैयारी में जुटी कंगना रनावत, कर रही वर्चुअल स्क्रिप्ट रीडिंग। सुशांत सुसाइड मामले में पड़ताल जारी, हाई प्रोफाइल मैनेजर से हुई पूछताछ। 2020 से परेशान हुई करीना कपूर खान, बोली कि 2021 का है इंतजार। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि एडरसन पहले गेंदबाज जो रिवर्स स्विंग कर सकते हैं। मुश्ताक ने हॉकी इंडिया का अध्यक्ष पद छोड़ा, ज्ञानेंद्र ने जिम्मा संभाला। डिलीवरी एड्रेस में लिखा कि मंदिर के सामने आते ही फोन करना, फोटो हुआ वायरल। सेंसेक्स 36,000 अंक के नीचे बंद, PNB के शेयर में 6% तक की गिरावट। रिसर्च के अनुसार आज फैमिली प्लानिंग ना होती तो देश की आबादी 307 करोड़ होती। विश्व जनसंख्या दिवस पर रिपोर्ट कि अगर हर बच्ची 10वीं तक पढ़ ले तो 2050 में दुनिया की आबादी 150 करोड़ तक कम होगी। छत्तीसगढ़ में स्कूल बंद, लेकिन गांव के पेड़ के नीचे हो रही है पढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब व्हाट्सएप, फैक्स और ईमेल के जरिए भी भेजे जा सकेंगे समन और नोटिस। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद फिल्म की तैयारी, मनोज वाजपेयी निभा सकते हैं गैंगस्टर का किरदार। मार्केट में आएगी मणिकर्णिका डॉल, कंगना की टीम ने फोटो शेयर कर लिखा कि बच्चों के लिए स्वतंत्रता सेनानी बनेंगे नए हीरो। विंबलडन कैंसिल होने के बावजूद भी 620 खिलाड़ियों को मिलेंगे 94 करोड़ रुपए।